नाउ सी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर आपने W एक सबस्पेस लिया है किसी वेक्टर स्पेस V का एंड लेट V बाय W बी द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स W प्लस U वेयर U बिलोंग्स टू V, है ना। कल भी हमने पढ़ा था ये V बाय W जो आपका ये सेट बनता था वो किस टाइप के एलिमेंट्स बनता था, मतलब W सबस्पेस के रिगार्डिंग जितने भी ऑल पॉसिबल कोसेट्स हैं, मतलब W प्लस U टाइप के एलिमेंट्स जाएंगे, वेयर आप U कहां से पिक करते जाएंगे, V से। एक एक U उठाओ, है ना, और क्या बनाते जाओ, W प्लस U करके एलिमेंट्स जो आएंगे वो कोसेट्स के सेट को हम क्या बोलते थे, V बाय W। और वो क्या बोल रहा है, ये जो V बाय W होता है ना, ये क्या बनाता है, इज अ वेक्टर स्पेस, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनता है अंडर दीज ऑपरेशन। अब आपको पता है जब भी आपको वेक्टर से स्पेस प्रूफ करना होता है आपको क्या चाहिए होता है, दो ऑपरेशन चाहिए होते हैं, इंटरनल ऑपरेशन और एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो इंटरनल ऑपरेशन क्या है कि अगर आपने कोई दो एलिमेंट्स इसके अंदर से पिक करें V बाय W से, मतलब एक एलिमेंट मान लो कुछ W प्लस U है और दूसरा क्या है W प्लस V, ये चेंज होंगे ना, W तो फिक्स है। तो वो क्या कह रहा है, दो एलिमेंट्स अगर आपने V बाय W से पिक करें तो उनका एडिशन कैसे डिफाइन है, W प्लस U प्लस W प्लस V, कैसे ऐड होंगे दो एलिमेंट्स, W एज इट इज रह जाएगा प्लस ये जो एलिमेंट्स उठाए हैं आपने U और V से वो आपस में ऐड हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये है हमारा इंटरनल ऑपरेशन कि अगर आपने कोई दो एलिमेंट्स पिक करे हैं V बाय W से तो उनका सम W प्लस U प्लस W प्लस V कैसे होगा, W प्लस U प्लस V। एंड नेक्स्ट एक्सटर्नल ऑपरेशन, एक्सटर्नल ऑपरेशन का मतलब कि अगर आप एक स्केलर एल्फा लेंगे फील्ड F से, फील्ड F तो आपकी वही है F ही है, ठीक है, अगर आपने एक स्केलर लिया है एल्फा फील्ड F से और एलिमेंट कहां से लेंगे V बाय W से, एक वेक्टर लिया है कुछ W प्लस U टाइप का, तो अल्फा इंटू डब्ल्यू प्लस यू कैसे डिफाइन है, डब्ल्यू अगेन एज इट इज, ये जो स्केलर है वो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई होगा, इस यू वेक्टर से। तो ए इंटू डब्ल्यू प्लस यू कैसे डिफाइन है, डब्ल्यू प्लस ए यू वेयर ए बिलोंग्स टू एफ। तो ये दोनों ऑपरेशन बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, यही हमारे क्वेश्चन स्पेस में क्या होते हैं, ऑपरेशन की हेल्प से हमारा वी बाय डब्ल्यू क्या बनता है, वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो मुझे यही प्रूफ करना है कि ये जो मेरा वी बाय डब्ल्यू है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन स्पेस भी बोलते हैं, इन दोनों ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बन रहा है, वेक्टर स्पेस। तो बस वेक्टर स्पेस करना आप जानते हैं, प्रूफ है ना। तो सबसे पहले देखिए, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जब भी वेक्टर स्पेस प्रूफ करते थे, तो एक बार आ जाओ दोबारा डेफिनेशन पे। तो देखिए आप क्या बोलता था वो कि अगर F कोई फील्ड है, अ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज अ नॉन एम्प्टी सेट V टुगेदर विद टू ऑपरेशंस। अब वो जो दो ऑपरेशन होते थे ना, सच दैट कि अगर वो दो एलिमेंट U V मैं उस V से उठाऊं जिसको आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, देयर इज अ यूनिक एलिमेंट यू प्लस वी बिलोंग्स टू वी, कि उनका एडिशन करके जो एलिमेंट जाएगा वो वी में जाना चाहिए और यू प्लस वी करके एक ही यूनिक एलिमेंट आना चाहिए। एंड फॉर ईच ए बिलोंग्स टू एफ एंड यू बिलोंग्स टू वी, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए इंटू यू, मतलब एक्सटर्नल बाइंड्री ऑपरेशन, वो भी किस में जाना चाहिए, वी में जाना चाहिए, और ये ए इंटू यू करके एलिमेंट भी क्या आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। तो यही सबसे पहले इस थ्योरम में ये प्रूफ कर रहा है आपके इंटरनल बाइंड्री ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइंड्री ऑपरेशन के लिए। देखो सबसे पहली बात, तो अगर आप कोई दो एलिमेंट्स, आपको किसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है, V बाय W को, अगर आप कोई दो एलिमेंट्स उठा रहे हैं V बाय W से, मतलब W प्लस U और W प्लस V, ठीक है, जो एलिमेंट ऐड करके आ रहा है, इनको ऐड करके एलिमेंट क्या मिल रहा है आप लोगों को, W प्लस U प्लस W प्लस V करके एलिमेंट क्या मिल रहा है, W प्लस U प्लस V। अभी जो U प्लस V करके जो एलिमेंट आ रहा है वो भी तो एक एलिमेंट V का ही है ना, तो क्या W प्लस U प्लस V एक कोसेट नहीं है, ऑब्वियसली है, और अगर ये W का एक कोसेट है तो ये V बाय W में पक्का जाएगा। तो आपके दो एलिमेंट का सम V बाय W में जा तो रहा है, बट वो यूनिक है या नहीं है वो अब मुझे चेक करना। तो देखो ये कह रहा है एडिशन इज वेल डिफाइंड, कि जो इसने एडिशन बोल रखा है वो वेल डिफाइंड है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो वो क्या कैसे चेक करेंगे, आपने जो दो एलिमेंट्स लिए हैं ना, आप क्या कर लेंगे, मान लो जो पहला एलिमेंट पकड़ा है W प्लस U, वो और किसके बराबर है, किसी W प्लस U डैश के, ठीक है। सिमिलरली जो W प्लस V है वो किसके बराबर है, W प्लस V डैश के। मैं क्या चाहती हूँ कि इनको ऐड करके, जो मुझे इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके और फिर इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके वो भी क्या मिले, बराबर मिले, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ कि एडिशन कैसा है मेरा, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि यूनिक एलिमेंट मिलेगा। अगर कोई दो एलिमेंट आप यू भी उठा रहे हैं बी से, तो यू प्लस वी करके आपको कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा, यूनिक मिलेगा। तो मैंने जो पहला एलिमेंट उठाया है W प्लस यू, वो W प्लस यू डैश के बराबर मान लिया कुछ, V सेकेंड एलिमेंट जो है W प्लस V, वो किसके बराबर मान लिया, W प्लस V डैश के।
ठीक है। तो पहले यहां से आ जाओ, जो पिछली थ्योरम कल प्रूफ करी थी, अगर ये दो कोसेट आपस में बराबर है w प्लस यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू डैश, तो वो तभी पॉसिबल है जब इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस मतलब u माइनस यू डैश किस में जाएगा, w में। सिमिलरली w प्लस वी अगर w प्लस वी डैश के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि v माइनस वी डैश भी किसको बिलोंग करेगा, w को। बट क्योंकि w सबस्पेस है v का, अगर ये दो एलिमेंट w में गए तो इन दोनों का सम भी किस में जाएगा, w में। तो मतलब u माइनस यू डैश प्लस v माइनस वी डैश w में जाएगा। फिर उसके बाद u और v को कंबाइन कर लो, उसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं u प्लस v माइनस ऑफ u डैश प्लस v डैश, मतलब इन दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस किस में जाएगा, w में। फिर यही जो प्रीवियस थ्योरम थी उसका कन्वर्स, कि अगर कोई दो एलिमेंट्स का डिफरेंस मतलब u माइनस u डैश w में गया है, इसका मतलब w प्लस u किसके बराबर है, w प्लस u डैश के। तो यहां से u प्लस v माइनस u डैश प्लस v डैश अगर w में गया है, इसका मतलब w प्लस u प्लस v वाला कोसेट किसके बराबर होगा, w प्लस u डैश प्लस v डैश के। और w प्लस u प्लस v का मतलब क्या है आपके बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से, कि w प्लस u प्लस w प्लस v, और w प्लस u डैश प्लस v डैश का मतलब क्या है, w प्लस u डैश प्लस w प्लस v डैश। हेंस एडिशन कैसा हो गया, वेल डिफाइंड ना, कि अगर आपने ये एलिमेंट इसके बराबर लिया, ये एलिमेंट इसके बराबर लिया, तो इन दोनों का सम और इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। मतलब एडिशन कैसा है, वेल डिफाइंड, मतलब यूनिक ही मिलेगा आपको एडिशन करके, कुछ अलग नहीं मिलेगा। सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी वेल डिफाइंड दिखाना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन था क्या, कि अगर आपने एक अल्फा लिया है फील्ड एफ से और एक एलिमेंट लिया है डब्ल्यू प्लस यू किससे, वेक्टर स्पेस, मतलब जिसको आपको प्रूफ करना है, सॉरी वी बाय डब्ल्यू से लिया है, तो अल्फा इंटू डब्ल्यू प्लस यू कैसे डिफाइंड है, डब्ल्यू प्लस अल्फा यू, ठीक है। और फिर से w प्लस एल्फा यू बन तो एक क्या रहा है, फिर से कोसेट ही बन रहा है w के लिए, बिकॉज एल्फा इंटू यू करके भी एक एलिमेंट क्या आएगा, v से आएगा। तो w प्लस कोई भी एलिमेंट अगर v से आ रहा है, तो ये किस में जाएगा एलिमेंट पूरा का पूरा, v बाय w में से, क्योंकि ये क्या बन रहा है, कोसेट बन रहा है। तो एलिमेंट तो चला गया v बाय w, अब चेक करना है यूनिक है या नहीं है, तभी हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, वेल डिफाइंड। फिर से क्या कर लिया, जो आपने एलिमेंट w प्लस यू उठाया, मान लो वो और किसके बराबर है, w प्लस यू डैश के बराबर है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो अल्फा इंटू डब्ल्यू प्लस यू करके आएगा, वही किसके बराबर है, इसके आए, अल्फा इंटू डब्ल्यू प्लस यू डैश के, क्योंकि मैं क्या चाहती हूँ, अगेन स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसा आता है, यूनिक आता है वैक्टर्स का, ठीक है। तो अगर w प्लस यू बराबर है w प्लस यू डैश के, तो फिर से यही थ्योरम, u माइनस यू डैश किसको बिलोंग करेगा, w को। फिर अगर u माइनस यू डैश w को बिलोंग कर रहा है, तो अगर कोई आपने अल्फा स्केलर फील्ड एफ से लिया है, तो अल्फा इंटू यू माइनस यू डैश करके जो एलिमेंट आएगा वो भी डब्ल्यू में जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, सबस्पेस है। तो इसका मतलब ए यू माइनस ए यू डैश इसको बिलोंग करेगा डब्ल्यू को। फिर से यही थ्योरम का रिवर्स, कि अगर ए यू माइनस ए यू डैश डब्ल्यू में गया है, मतलब डब्ल्यू प्लस ए यू कोसेट किसके बराबर होगा, डब्ल्यू प्लस ए यू डैश के। और डब्ल्यू प्लस ए यू का मतलब क्या है, हमारे ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किया है जिस हिसाब से, तो w प्लस ए यू का मतलब क्या है, a इंटू डब्ल्यू प्लस यू, और बराबर में किसके है, ये a इंटू डब्ल्यू प्लस यू डैश के। तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी क्या है, वेल डिफाइंड, मतलब वो भी कैसा आता है, यूनिक आता है। अब ये तो होगी बात खत्म हमारी इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन की, और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन हमने प्रूफ कर दिया। अब मेन वेक्टर स्पेस की जो कंडीशन थी वो प्रूफ करते हैं। अब हमने क्या क्लेम करना है, कि v बाय w इन दोनों इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन की हेल्प से वेक्टर स्पेस बनता है। तो सबसे पहले क्या चेक करते थे, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए आप तीन एलिमेंट्स पिक करेंगे v बाय w में से, वो किस टाइप के होंगे, कुछ w प्लस यू, w प्लस v एंड w प्लस w टाइप के भी, एनी थ्री एलिमेंट्स। तो प्रूफ क्या करना है, कि w प्लस यू में एड कर लो इन दोनों का सम, मतलब w प्लस v प्लस w प्लस w। तो पहले मुझे बताओ ये दोनों कैसे ऐड होंगे, w प्लस v प्लस w प्लस w कैसे ऐड होंगे, w एज इट इज रह जाएगा, प्लस में ये दोनों एलिमेंट्स ऐड होंगे, यही हमारा रूल है v प्लस w। फिर उसके बाद अगेन ये एलिमेंट w प्लस u प्लस w प्लस v प्लस w कैसे ऐड होगा, w एज इट इज, ये एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे u प्लस v प्लस w। फिर आप इनको स्प्लिट कर सकते हैं, ये तो u v w किसके एलिमेंट्स हैं, मेन वेक्टर स्पेस v के ना, और v वेक्टर स्पेस में तो एसोसिएटिविटी होती है। तो u प्लस ऑफ v प्लस w को कैसे लिख सकते हैं, u प्लस v प्लस w। फिर से इसको स्प्लिट कर दो, तो w प्लस u प्लस v प्लस w कैसे स्प्लिट होगा, इसको एक एलिमेंट मान लो, इसको एक एलिमेंट मान लो, तो w प्लस u प्लस v प्लस w कैसे खुलेगा, w प्लस ऑफ u प्लस v प्लस w प्लस w। फिर से इसको दोबारा स्प्लिट कर लो, w प्लस ऑफ u प्लस v कैसे खुलेगा, w प्लस u प्लस w प्लस v, है ना रूल से, एंड प्लस में ये w प्लस w, और ये हमारी क्या प्रूफ हो गई है, एसोसिएटिविटी, कि इन इसमें इन दोनों को ऐड कर लो तो वो किसके बराबर आ गया, इन दोनों का एडिशन प्लस में ये। सिमिलरली नेक्स्ट कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव के लिए भी दो एलिमेंट्स उठा के चलिए v बाय w से, तो अगर इन दोनों को उठा के चला है v बाय w में से, तो कम्यूटेटिव का मतलब इन दोनों को ऐसे ऐड कर लो, ऐसे ऐड करो, सेम ही बात आएगी। तो लेफ्ट साइड w प्लस u प्लस w प्लस v, फिर से कोई भी दो एलिमेंट्स v बाय w के कैसे ऐड होने हैं, w एज इट इज मेन सबस्पेस,
प्लस ये दोनों एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे u प्लस v, फिर से u प्लस v को v प्लस यू लिख सकते हो, तो w प्लस v प्लस यू कैसे टूटेगा, w प्लस v प्लस w प्लस u, हो गया कॉम्यूटेटिव भी। नेक्स्ट एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, v बाय w के लिए देखो क्या एक्जिस्टेंस है आइडेंटिटी की, हमें पता है मेन वेक्टर स्पेस v की आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो वेक्टर, ठीक है। देन हमारे v बाय w की आइडेंटिटी क्या है, w प्लस जीरो, क्यों, क्योंकि देखो कोई भी अगर एलिमेंट आप v बाय w से उठा रहे हैं कुछ w प्लस u टाइप का, अगर आप उसमें जोड़ देंगे w प्लस जीरो तो क्या आएगा, w एज इट इज प्लस u प्लस जीरो, मतलब u ही आ जाएगा क्योंकि u प्लस जीरो तो u ही होने वाला है। तो किसी एलिमेंट में क्या जोड़ा, w प्लस जीरो जोड़ा, तो वापिस से क्या मिल जाता है, w प्लस u, मतलब w प्लस जीरो क्या होती है, हमारी v बाय w की आइडेंटिटी। और w प्लस जीरो को आप w लिख सकते हो ना, अगर जीरो w में जोड़ोगे तो वापिस से w तो आएगा, ठीक है। तो मतलब कि दस w प्लस जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी किसकी, हमारे क्वेश्चन स्पेस v बाय w की। नेक्स्ट एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, अगर आपने कोई भी एलिमेंट w प्लस u उठाया v बाय w में से, देन उसका इनवर्स क्या है, w माइनस u। देखो अगर w प्लस u v बाय w में है तो w माइनस u भी तो v बाय w में जाएगा ना, क्योंकि v बाय w में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं, w मेन ये सबस्पेस प्लस में एलिमेंट u, वेयर u कहां से होना चाहिए, v में से। अगर आपने w प्लस u v बाय w में से उठाया है तो क्या माइनस u v में से नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो वेक्टर स्पेस है, अगर u v में है तो माइनस u भी v में जाएगा, और अगर माइनस u v में जाएगा तो w माइनस u किस में जाएगा, v बाय w में। तो फॉर एवरी w प्लस u बिलोंग्स टू v बाय w, वी हैव w माइनस u बिलोंग्स टू v बाय w, सच दैट इन जब को ऐड करोगे तो w प्लस u प्लस w माइनस u एलिमेंट क्या आएगा, w प्लस u माइनस u, और u माइनस u क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब कि क्या आ गया इन दोनों का एडिशन, w प्लस जीरो मतलब w है ना, मतलब आइडेंटिटी के बराबर। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो w प्लस यू के इनवर्स क्या है, w माइनस यू, क्लियर है। तो अब इन सारी प्रॉपर्टीज से क्या हो गया हमारा v बाय w, कम से कम जो हमने एडिशन डिफाइंड किया था ये वाला, उसके रिस्पेक्ट में एडिटिव अबेलियन ग्रुप तो हो ही गया है। उसके बाद लास्ट की वो तीन चार प्रॉपर्टीज और थी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, वो चेक करेंगे तो हमारा v बाय w क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस। तो देखिए फॉर एनी स्केलर्स ए बी बिलोंग्स टू एफ, और मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए w प्लस यू एंड w प्लस वी, किस में से, v बाय w में से। तो वी नो दैट, सबसे पहले देखो हम क्या प्रूफ करते थे कि 1 इंटू वी किसके बराबर होना चाहिए, v के ना, वो v एलिमेंट कहां से उठाते थे हम, v से, मतलब वो स्पेस जिसको आप वेक्टर स्पेस प्रूफ करना चाह रहे हो। तो अब वो प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी कि 1 इंटू आप एलिमेंट क्या उठाएंगे v बाय w में से, कुछ w प्लस यू टाइप का, तो 1 इंटू w प्लस यू, देखो कैसे आएगा, w प्लस 1 इंटू यू है ना, हमारे इस वाले रूल से, और w प्लस 1 इंटू यू क्या आता है, w प्लस यू। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट आपकी वो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, नेक्स्ट क्या थी कि a इंटू बी इंटू वी किसके बराबर होना चाहिए था, ए बी इंटू वी, यही थी ना, ए बी स्केलर्स होते थे और v कहां से लेते थे आप, v वेक्टर स्पेस से। तो इस बार ये क्या बन जाएगी, a इंटू बी इंटू वी एलिमेंट क्या लेंगे v बाय w में से, w प्लस यू टाइप का। तो a इंटू बी इंटू w प्लस यू कैसे खुलेगा, देखो सबसे पहले ये b जाएगा अंतर, a तो बाहर ही रहेगा, b इंटू w प्लस यू कैसे खुलेगा, w प्लस बी यू, फिर से ये w प्लस बी यू एक ऑसेट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी स्केलर a से, तो कैसे होगा, w एज इट इज प्लस a इंटू बी यू, फिर से a इंटू बी यू कैसे ले सकते हैं, ab इंटू यू, क्योंकि ab u फिर कहां से आ रहे हैं, ab आ रहे हैं आपके फील्ड f से, और u किससे आ रहा है, वेक्टर स्पेस p से। तो उसमें तो ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि a इंटू बी यू कह सकेंगे ab इंटू यू, फिर से w प्लस ab इंटू यू, ab एक स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा, इसको क्या ले सकते हैं, w प्लस ab इंटू यू को ab इंटू w प्लस यू। सिमिलरली थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी खुद देख लेना, वही चीज है पड़ी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली की, a इंटू u प्लस v किसके बराबर दिखाते थे फिर, ए यू प्लस ए वी के, ठीक है। तो यहां पर क्या दिखाएंगे, a इंटू पहला एलिमेंट क्या लेंगे, w प्लस यू लेंगे v बाय w से, और दूसरा w प्लस v। तो यही दो प्रॉपर्टीज जो आपकी लेके चल रहे हो ये ऑपरेशंस, इन्हीं के रिस्पेक्ट में ये दोनों प्रॉपर्टीज शो कर देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, v बाय w क्या बन जाएगा, वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर फील्ड f, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दीज टू ऑपरेशंस। तो उसके बाद देखो यहीं से क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन भी आती है कि जो वेक्टर स्पेस है मेरा v बाय w विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जो कि क्या है, फॉर्म्ड बाय ऑल द कोसेट्स इन v बाय f ओवर अ सबस्पेस w एंड डिफाइंड अबव इज कॉल्ड अ क्वोशेंट सबस्पेस ऑफ v रिलेटिव टू w। तो इस v बाय w को ही आप लोग क्या बोलते हैं, क्वोशेंट स्पेस। तो आज बस आपको यही काम है कि इस थ्योरम को अच्छे से करना और क्वेश्चन स्पेस की डेफिनेशन अच्छे से माइंड में अपने फिट कर लो, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरम जो कि काफी बार एग्जाम में पूछी जाती है ये करेंगे, और इसके एग्जाम्पल्स जो कि इसके बेस पे अगेन पूछे जाते हैं पेपर में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।
थैंक यू सो मच, कर लो इसको।